नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम करवाने वाले हैं अपनी महिंद्रा थार 4x2 के अंदर एसेसरी का काम। यानी कि कोई भी एसेसरी हमने गाड़ी के अंदर नहीं ली थी। आपने डिलीवरी की वीडियो में देखा होगा मड फ्लैप जो है वो भी हमने गाड़ी के अंदर नहीं लिए थे डीलरशिप से। तो अभी काफी ज्यादा जरूरत है गाड़ी के अंदर एसेसरी डलवाने की, और मॉडिफिकेशन भी आप कह सकते हैं कि अगर आपको मॉडिफिकेशन कराने हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं करोल बाग दिल्ली, और वहां पे हम जा रहे हैं सबसे फेमस जो हमारे बंदे हैं और सबसे बेहतरीन बंदे, आपने नाम भी सुना होगा, निक्कू भाई के पास। तो निक्कू भाई के पास अभी जा रहे हैं अपनी थार को लेके। और आज सैटरडे है और सैटरडे वाले दिन जो है आप कह सकते हैं रश काफी ज्यादा होता है, लेकिन हमारी बात पहले से रखी है भैया से, और भैया ने कहा आप आओ आराम से। 12 बजे का उन्होंने टाइम दे रखा है, अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन टॉप नॉच क्वालिटी की जो एसेसरी है वो आज हमको गाड़ी में डाल के देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या हम काम करवा रहे हैं वो दिखाऊंगा, कितनी उसकी कॉस्ट आ रही है वो भी आपको बताऊंगा, और कितने ज्यादा हाई लेवल के जो मॉडिफिकेशन आप अपनी थार के अंदर करवा सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि थार जो है 4x2 के अंदर भी काफी ज्यादा बुक है। तो काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो थार के आने के बाद उसके अंदर काम भी कराएंगे, तो उनको भी फायदा होगा इस वीडियो को देख के, और पता चलेगा कि आज के टाइम में किस एसेसरी के क्या प्राइस हो रखे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं करोल बाग और आपको मैं दिखाता हूँ कंप्लीट मॉडिफिकेशन। आ चुके हैं अभी हम दोस्तों करोल बाग के अंदर, और भीड़ देखिए आप, क्योंकि सैटरडे है और हमें जहाँ जाना है वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए दूर से दिख गया आपको निक्कू भाई, निक्कू कार डिकोर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी करोल बाग में निक्कू भाई की पार्किंग में, और अभी भैया यहाँ पे गाड़ी के अंदर काम कर रहे हैं और डोर वाइजर लगा रहे हैं गाड़ी के अंदर। तो डोर वाइजर जो है ये ठीक चलेगा? तगड़ा चलेगा, दो तीन साल कहीं नहीं जाएगा, दो तीन साल कहीं नहीं जाएगा, उसके बाद आपने गाड़ी चेंज कर देनी है। तो अभी डोर वाइजर लगवाते हैं, बारिश के टाइम पे काफी काम आता है, और आज भी वैसे मौसम खराब है, तो फिटिंग जो है वो काफी सही आ रही है यहाँ पे। और ये पेस्ट किस तरीके से हो रहा है? डबल टेप होता है इसका ना, वो फिर बॉडी पे प्राइमर लगता है, फिर पेस्ट होता है। और क्रोम फिनिशिंग में ये है, एल शेप में आप कह सकते हैं, यहाँ पे जो क्रोम है वो इसके अंदर लगा हुआ है, ये देखिए। अभी एक तो हमने यहाँ पे मैट मंगाए हैं, और मैट के एक बार मैं आपको फिनिशिंग दिखाता हूँ। ड्राइवर साइड अभी ये मैट डाला हुआ है, और आप देखिए कैसा लग रहा है। इसमें फायदा ये है कि इसमें जो लॉक्स है ना, ये लॉक्स फंस जाते हैं, तो 5D मैट ये अपने हो गए हैं GFX ब्रांड का। और एक चीज़ हमने ये मंगाई है, ये मेमोरी फोम के साथ है यहाँ पे, तो काफ़ी गैप आ जाता है जब गाड़ी को चलाते हैं ना, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो ये थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। और एक ये मंगा के देखा, अभी इसकी फिटिंग देखेंगे, क्योंकि थोड़ा इसमें हैंड ब्रेक में दिक्कत आ रही है, तो देखते हैं कि लगवाना है नहीं लगवाना है, लेकिन मैं बताता रहूँगा आपको। फिलहाल ये देखिए, ये मेरी पसंद का यहाँ पर मुझे मिल चुका है। अभी सोच रहा था कि गाड़ी के अंदर जो यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं है ना, एक तो 2.2 में हम उसकी ब्रांडिंग आती है, एक तो सोच रहे कि उसका स्टिकर अरेंज करवा लें, और दूसरा करोल बाग के अंदर जब आए हैं तो फिर 4x4 का जो अपना स्टिकर आता है ना, 4x4 का स्टिकर लगवाने का सोच रहे हैं। विशाल लगवा लें 4x4? भाई मेरा तो यार मन है नहीं। क्यों? दुनिया के पास 4x4 है, 4x2 तो किसी को नहीं मिल रही। कोई बात नहीं ना, यहाँ पर 4x4 ऐसे अच्छा लगेगा, मिसिंग सा है वो, आप बताओ लगवाएं या ना लगवाएं। स्टीयरिंग रैप के लिए यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो चुका है, और सबसे मेन चीज यही है कि जब आप स्टीयरिंग अपनी गाड़ी का रैप कराएं तो गाड़ी का इग्निशन ऑन कर दे, क्योंकि स्टीयरिंग जो है वो बार बार घूमता है, और अगर इग्निशन ऑफ है तो स्टीयरिंग हार्ड घूमता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निकल या मैकेनिकल प्रॉब्लम, कोई ना कोई टेक्निकल या मैकेनिकल प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इग्निशन ऑन कर दो अपना आराम से, ताकि आराम से स्टीयरिंग रैप करने वाला बंदा जो है वो अपना रैप कर सके। क्यों भैया? बिल्कुल सही बात है, वरना लोग क्या करते हैं, चाबी लेके, चाबी बोलते बंद करके गाड़ी करो ना, चाबी लेके गायब, फिर बोलते स्टीयरिंग में दिक्कत आ गई। के फेवरेट यहाँ पे निक्कू भाई भी आ चुके हैं। निक्कू भाई क्या हालचाल? बढ़िया। तो कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया है। तो क्या क्या कर रहे हो आज? इसमें तो ये छोटा मोटा काम करवा रहे हो आप, जैसे मैट है, स्टीयरिंग रैप है, ये सब बाकी छोटा ही मोटा काम है इसमें, बाकी इसके अलावा करवा सकते हो आप, जैसे जैसे एम्बिएंट लाइट आता है, थार वाला ये आता है, एसी वेंट आता है, सीट कवर होता है, रूफ होता है, आगे का बम्पर होता है, जी वैगन कोई वाला, हेडलाइट लगवा सकते हो, प्रोजेक्टर लगवा सकते हो, जो फ्रंट की ग्रिल है जो सबसे मेन इसका मेजर पॉइंट है। ग्रिल कितने टाइप की आ रही है आजकल? दो तीन टाइप का रहेगा, तीन टाइप की। अच्छा, और हूटर वगैरह भी लगा देते हो? हाँ बिल्कुल। पुलिस वाला, एम्बुलेंस वाला, जैसा आपका लगवाना है, एम्बुलेंस बनवाना है, पुलिस वाला बनवाना है, दोनों तरीके का होता है। कुछ आजकल ऐसा नया भी आया थार में जो बिल्कुल अलग हटके हो, क्योंकि काफी दिनों से चल रही है रेंगलर वाली ग्रिल तो। हाँ वो एक है ना, लाइट वाली आई है वो भी है, बाकी ग्रिल तो थार के लिए दो ही तीन अभी बना हुआ है, इससे ज्यादा नहीं बना हुआ है। अच्छा, तो मतलब मोटा मोटा जैसे क्रेटा में इतना काम करते हो, अगर हम थार की बात करें तो
एक किस बजट में बंदा अपनी थार को रेंगलर बनवा के ले जा सकता है? 1.5 लाख के बजट में। 1.5 लाख रुपए में जिसमें इंटीरियर एक्सटीरियर कंप्लीट सारा बम्पर ऊपर ए से लेके जेड तक, इसका भी बहुत सारे एसेसरीज आती है थार के लिए। हाँ, सारा काम करवा सकती है। और अभी थार जो 4x2 आई है इसमें बेस मॉडल भी है। हाँ, जैसे सिस्टम विस्टम नहीं लग के आता है उसमें। हाँ। तो सारा कंप्लीट करवा तो सेम मॉडल बनवा सकते हो आप 4x4 के। एक चीज और बताओ मुझे, जो इसके ये ORVM है मिरर फोल्डिंग हो जाता है? हो जाता है। जिसको करवाना है 18,500 के मिरर फोल्डिंग करवा सकते हो, आपका मिरर लेके मिरर लगा के मिलूंगा 18,500। अच्छा, कर भी चुके हैं अभी तक? कर भी चुके हो। हाँ, मतलब ये सबसे मेजर है इसमें, क्योंकि कंपनी तो कर नहीं पाई है अभी, किसी ने किया भी नहीं। फर्स्ट टाइम इंडिया मैंने किया था, शायद उसका वीडियो हम नहीं बना पाए थे कि भाई नहीं थी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब की बार करवा देंगे। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो अपना मोबाइल नंबर भी बोल दो एक बार। 8826314088। तो दोस्तों, आप अगर अपनी थार में, क्योंकि थार तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बिक चुकी है, और सबसे मेजर चीज़ यही है कि ये मिरर जो है ये फोल्डेबल नहीं है, और अगर फोल्डेबल किसी को भी कराने हैं तो वन एंड ओनली वन इंडिया में अपने निक्कू भाई जो है वो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये क्या कर रहे हो आप? ORVM बना रहे हैं। कितने रुपए में? कितने रुपए में? 100 रुपए में। 100 रुपए में? 100 रुपए में 6 लाख रुपए बच रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो अभी ये हटेगा नहीं क्या? 4x4 नहीं है, काम करेगा बिल्कुल। कैसे? पहले अंदर स्टिकर से तो दिख जाएगा ना 4x4 है, वो चला के देखने जा रहा है कि 4x4 है कि नहीं है। खर्चा कितना आ गया इसमें? कितने लाख रुपए देने पड़ेंगे? लाख का मैट है इसका, और एक स्टिंग रैप है, डोर वाइजर है, और पिलो है, वो है लमसम लमसम। इस थार के अंदर आ गया होगा आपका 25-26 हज़ार का खर्चा। 25-26 हज़ार का? क्यों मजाक कर रहे हो? आप सीरियसली बता दो, लोग डर जाएंगे। लोग डर जाएंगे। देखो अब ऐसे मैं बताता हूँ, रियल में स्टिंग रैप अगर आप ऐसा कराते हो तो 4500 रुपये का स्टिंग रैप होता है। ठीक है, जैसे फुल में कट कर करवा के लगवाते हो। मैट आपको इसका थार का मैट आपको मिलता है 3,3200 के रेंज में। ये पिलो मिलता है 700-800 रुपये के रेंज में, और ड्रो भाई 700-800 रुपये के। मजाक कर रहा था मैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा ना, ये महिंद्रा की आदत हो गई, जैसे महिंद्रा गाड़ी नहीं दे रहा ना तो गाड़ी जो है 4x2 मिल नहीं रही है, ब्लैक चल रहा है उस पर। तो अभी इन्होंने यहाँ एसेसरी पे ब्लैक करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। जब 100 रुपये में 4x4 बना सकता हूँ तो 25,000 रुपये में मैट थोड़ी डालेंगे। ठीक है निक्कू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गाड़ी में काम कराने के लिए। और अगर जो और लोग आएंगे वीडियो देख के, कैसे करोगे? कैसे करेंगे? 1.5 लाख रुपए वाला काम करोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं, जिसका जितना बजट होगा उतने में काम कराएगा, जिसका 15,000 का 50,000 को। स्कॉर्पियन का क्या चल रहा है? सब कुछ है, स्कॉर्पियन का सारा सामान होता है अपने पास। जो स्कॉर्पियन की रूफ रेल्स हैं वो ड्रिल करके हैं? हाँ, ड्रिल करके हैं, ओरिजिनल एकदम। और ओरिजिनल अलॉय व्हील 18 इंची मिल जाता है। कितने का? 55,000 का, 18 इंची। हाँ। जो स्टॉक कंपनी से आ रहे हैं। ठीक है, चलो स्कॉर्पियन बुक है हमारी, देखते हैं क्या बनता है उसका। ठीक है, फिलहाल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है, थार हमारी हो चुकी है तैयार, चलते हैं घर की तरफ। हाँ।